लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलती ना, ये भी मत भूलना। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और उसका भाई मिलकर चेयरमैन का ऑफिस ढूंढ रहा होता है, और ढूंढते ढूंढते उसका भाई रुक जाता है और उसका बड़ा भाई उससे पूछता है कि वो क्या थक गया है, और उसका छोटा भाई जवाब देता है हाँ। तभी उसका बड़ा भाई उसे गोदी में उठा लेता है और वहाँ हमें बताया जाता है उसके छोटे भाई का नाम है कटर और उन लोगों के मॉम डैड अदद परिंदों की तरह हमेशा घूमते रहते थे और अभी वो दोनों ही दुनिया में हैं। वहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसके बाद हम कुछ समझ पाते उसके घर में एक अनजान व्यक्ति आते हैं और वो बताते हैं वो मोनोमनिया एकेडमी से आया है और वहाँ की जो जेआर वुमन है वो एक क्रैश में उनकी बेटे और वाइफ को खो चुकी हैं और उस जेआर वुमन ने इन दोनों का गार्डियन बनने की बात की है। गाइस फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और उसके बाद वो दोनों चेयर वुमेन के कमरे में जाते हैं और चेयर वुमेन उन दोनों को देख के कहती है तुम दोनों ने आने में देर कर दी, मैं तुम दोनों के लिए सदियों से इंतजार कर रही थी। तभी कटर और चेयर वुमेन को देख के बोलता है फेफड़ा, और वहीं पे उसका बड़ा भाई उसका मुंह चुप कर देता है और फिर वो बताता है कि उसका नाम कतिमा यूनुजी है और ये मेरा छोटा भाई है कटर। उसके बाद चेयर वुमेन उसके सिक्योरिटी को कहती है जाओ उन्हें टेप केयर दिखाने ले जाओ, और फिर वो कहती है दुनिया का नियम है देना और लेना और तुम्हें भी वही करना है, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगी, बस तुम्हें यहाँ बेबी सीटर बन के काम करना पड़ेगा। उसके बाद चेयर वुमेन का सिक्योरिटी बाहर आके कहता है मेरा नाम है थायो बाबा। उसके बाद कातिमा सेक्रेटरी से पूछता है क्या उनका कोई छोटा पोती है, सेक्रेटरी उसको बोलता है नहीं उनका बेटा और वाइफ का कोई बच्चा ही नहीं है। उसके बाद कातिमा को सेक्रेटरी टेक केयर में ले आता है, फिर उन्हें बताया जाता है कि इस टेक केयर को फीमेल स्कूल टीचर के लिए बनाया गया था पर कोई भी यहाँ बेबी सीटर बनने के लिए तैयार नहीं था, सबने इस काम के लिए मना कर दिया था। उसके बाद कासिमा कहता है तो चेयरमैन ने हमें इस केयर को स्टार्ट करने के लिए बुलाया था। उसके बाद सेक्रेटरी बोलता है तुमने ये काम करवाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर कासिमा बोलता है कि इस बेबी सीटर क्लब के मैं पहले मेंबर होने के नाते मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। उसके बाद कासिमा टेक केयर के अंदर जाता है और सब बच्चे उसे देख के बोलते हैं अबे ये कौन है दे? उसके बाद कासिमा कहता है हम भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, और वहाँ पहले शिफ्ट में जो काम कर रहा होता है सब बच्चे उसके पीछे चले जाते हैं और उसका सपना टूट जाता है, और वो कासिमा से पूछता है तुम बेबी सीटर के नए हुए हो क्या? फिर पुराने बेबी सीटर ने उसको बोला मेरा नाम है ओसीडा, और फिर सब बच्चे ओसीडा से पूछते हैं क्या हम इन लोगों के साथ खेल सकते हैं, और सब बच्चे कासिमा को एक दूसरे के साथ लड़के अपना अपना नाम बताने लगते हैं, और फिर ओसीडा सब बच्चे को कहता है चलो सब बच्चे रेलगाड़ी की तरह अपना अपना नाम बताओ, और सब बच्चे अपना अपना नाम बताने लगते हैं। वो सब देखे कासिमा का छोटा भाई बोलता है वो सब मेरे भाई को परेशान कर रहे हैं, और वो चले जाता है केजीएफ के हीरो की तरह और वहाँ से पीट फूट के आ जाता है। वो बार बार जाता है और बार बार मार मूर खा के चला आता है। फिर वो थक के एक कोने में जाकर एक बुक पढ़ने लगता है। उसके बाद वहाँ से ओसीडा जाने लगता है क्योंकि उसे ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो जो चेयरमैन होती है वो बहुत कंजूस होती है, और चाय भी क्यों ना वो उधर क्यों रहे, ओवर टाइम का पैसा तो नहीं मिलता उसे। ओसीडा के जाने के बाद सब लोग फिर से उधम मचने लगते हैं और वहाँ पे एक लड़की घर घर खेलने लग के लिए कासिमा को वहाँ बुलाती है। बस तभी सब लोग खेलते खेलते उस लड़के का घर घर खेलने की सब सेट तोड़ देते हैं और उस लड़की का दिल टूट जाता है। उसके बाद सब बच्चे कासिमा को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पे सभी टीचर आ जाते हैं अपने अपने बच्चे को लेने, और सभी टीचर कासिमा को देख के थोड़ा हैरान होती है क्योंकि वो आज यहाँ पहली बार आया है, फिर भी सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर भी टकाकुन के जो पेरेंट्स होते हैं वो अभी तक नहीं आए होते हैं। वहीं पे एकदम से टकाकुन का जो बड़ा भाई होता है वो कासिमा के पीछे आके खड़ा होता है और बोलता है टाका चलो घर जाना है,
और वहाँ उसका बड़ा भाई काशिमा को बताता है कि उसका नाम कामितानी है और वहाँ वो दोनों कुछ बातें करते हैं। और वहाँ ताकि मना कर रहा होता है मैं नहीं जाऊँगा घर और ताकि उसका बड़ा भाई कामितानी उसको एक भूसा मारता है। तभी कामितानी काशिमा को बोलता है कि तुम्हें अपने बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर जब काशिमा अपने भाई कतरू को देखता है वो बहुत अकेला लग रहा होता है। काशिमा उसके तरफ जाते ही कतरू बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बीमार हो चुका है। और काशिमा उसे भागते हुए हॉस्पिटल ले जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर काशिमा को बोल रहे हैं उसकी हालत अगल बगल के बदलाव की वजह से ऐसी हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक नर्स आके काशिमा को बोलती है तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लगाओ। और काशिमा बाहर जाके अपने पेरेंट्स को फोन करने ही वाला होता है कि उसको याद आता है उसका पेरेंट्स ही नहीं है। तभी काशिमा बहुत रोने लग जाता है और फिर वो सोचता है उसके मॉम डेथ के बाद उसका भाई उसका दुनिया है। तभी वो अंदर जाते ही नर्स उसके भाई को उसके पास लेके आती है और बताती है कि उसका भाई कब से उसका नाम पुकार के रोए जा रहा होता है। तभी कातरू काशिमा को देख के और तेज रोने लगता है और उसका नाम पुकारने लगता है क्यूचीना बिकॉज बच्चे तो बोल नहीं सकते। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और बाद में वो दोनों सो जाते हैं और डियर वुमन उनके कमरे में आके एक मॉम की तरह उनके ऊपर ब्लैंकेट रख के चली जाती है। और सुबह उठ के डियर वुमन गुस्सा करने लगते हैं अपने सिक्योरिटी के ऊपर कि यहाँ ये फूल किसने रख दिया। तुम्हें पता है ना ये एक ऑफिस है और उन्हें फूल रखना एकदम पसंद नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काशिमा एक स्कूल में गया है और वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि मैं काशिमा रियूजी हूँ और मैं बेबी सीटर क्लब का मेंबर हूँ। और सब लोग ये सुन के बोलते हैं क्या बेबी सीटर का। और वहाँ ताका का बड़ा भाई भी होता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है ताका भी अपना एक बुक शेयर कर रहा है पातारू के साथ और फिर यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। और आप सब लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना ना भूलें नहीं तो मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँचेगा।